किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्यूशन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज आप 9 जून डेली करंट अफेयर्स विषय चर्चा करीशूँ। और जी फ्रेंड्स, हाल जुड़े ये फ्रेंड्स चैनल ने अचूक से सब्सक्राइब कर ले, बराबर है। आप आज डेली करंट अफेयर्स सीरीज से हेल्पफुल रहते DYSO नायब मामलतदार, बराबर है। ये GPSC ने लगती है, क्लास 3 ने लगती बड़ी एग्जाम उपयोगी रहते। तो फ्रेंड्स, जी भी ताजेतर में जुड़ा है चैनल सब्सक्राइब अचूकती करें। तो आज पहलो क्वेश्चन है, ताजेतर में विश्व महासागर दिवस क्यारे मना, बराबर है। ताजेतर में विश्व महासागर दिवस क्यारे मना, अथवा तो वर्ल्ड ओशियन डे क्यारे मना, बराबर है। तो वर्ल्ड ओशियन डे ए दर वर्षनी 8 जून दिवसे मनावामां आवे छे, बराबर है। वर्ल्ड ओशियन डे दर वर्षे 8 जून दिवसे मनावामां आवे छे, बराबर है। तो वर्ल्ड ओशियन डे शा कारणे मनावामां, तो वर्ल्ड ओशियन डे समुद्रनी रक्षा माटे, एमां प्रदूषण रोकवा माटे, समुद्रनुं महत्व समजावा माटे कि समुद्र शा कारणे आपणा माटे उपयोगी छे, ए बधुं महत्व समजावा माटे वर्ल्ड ओशियन डे मनावामां आवे छे, बराबर है। एटला माटे आ दिवसनी उजवणी करवामां आवे छे। तो फ्रेंड्स क्लियर, 8 जून ने शू कहेवामां, 8 जून ने क्या दिवस तरीके मना, तो विश्व महासागर दिवस 8 जून दिवसे मनावामां आवे छे, एटले के वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून दिवसे मनावामां आवे छे। सेकंड क्वेश्चन, ताजेतरमां बिजनेस फर्स्ट पोर्टल क्या राज्य सरकारे लॉन्च कर्युं, ताजेतरमां बिजनेस फर्स्ट पोर्टल क्या राज्य सरकारे लॉन्च कर्युं, तो ताजेतरमां बिजनेस फर्स्ट पोर्टल पंजाब सरकारे लॉन्च कर्युं, बराबर है। तो आ बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च करवानुं कारण शू, तो पंजाब में व्यवसाय वधारवाना हेतुसर आ पोर्टल लॉन्च करवामां आव्युं छे, बराबर है। तो पंजाब नो उल्लेख थयो छे, तो पंजाब विषे जाणी लईए। तो पंजाब नुं कैपिटल छे चंडीगढ़, अने बराबर छे, एजना हरियाणा नुं पण एज कैपिटल छे चंडीगढ़, बराबर छे। अने पंजाब ना CM छे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अने राज्यपाल छे BB सिंह, बराबर छे। राज्यपाल कोण छे? BB सिंह, बराबर छे। थर्ड क्वेश्चन छे आजनो, ताजेतरमां कया राज्य सरकारे UG अभ्यासक्रम में सेमिस्टर सिस्टम खत्म करी, बराबर है। ताजेतर में क्या राज्य सरकारे UG अभ्यासक्रम में सेमिस्टर सिस्टम खत्म करी, तो ताजेतर में हिमाचल प्रदेशे UG अभ्यासक्रम में सेमिस्टर सिस्टम खत्म करी। UG एटले शू? अंडर ग्रेजुएट, बराबर है। UG एटले शू? अंडर ग्रेजुएट, बराबर है। तो हिमाचल प्रदेश नो उल्लेख थयो, तो हिमाचल प्रदेश विषे जाणी लईए। तो हिमाचल प्रदेश ना मुख्यमंत्री छे जयराम ठाकुर, बराबर है। राज्यपाल छे आचार्य देवव्रत, अने कैपिटल बराबर है शिमला, एटले पाटनगर शिमला छे, बराबर छे। चौथो क्वेश्चन छे, ताजेतरमां T20 2000 रन बनावनार पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कोण बन्या, ताजेतरमां T20 2000 रन बनावनार पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कोण बन्या, तो ताजेतरमां T20 2000 रन बनावनार पहली भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज बन्या, बराबर छे। मिताली राज ए 2000 रन बनावनार पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन्या, अने एना नीचे ऑप्शन सी में देखो झूलन गोस्वामी लिख्युं छे, बराबर छे। आ क्वेश्चन भी पूछाय छे, झूलन गोस्वामी ने क्या नामे थी ओळखाय, बराबर छे। तो झूलन गोस्वामी ने नाबिया एक्सप्रेस तरीके पण ओळखवामां आवे छे, बराबर, नाबिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी, बराबर छे। पांचमो क्वेश्चन छे, ताजेतरमां त्रिपुराना राज्यपाल तरीके वधारानी जिम्मेदारी कोणे मळी, बराबर छे। ताजेतरमां त्रिपुराना राज्यपाल तरीके वधारानी जिम्मेदारी कोणे मळी, तो ताजेतरमां त्रिपुराना राज्यपाल तरीके वधारानी जिम्मेदारी केसरीनाथ त्रिपाठीने मळी, कोणे मळी? केसरीनाथ त्रिपाठी, बराबर छे। हवे राज्यपालनी वरणी कोण करे, तो राज्यपालनी वरणी कोण करे? राष्ट्रपति करे, बराबर छे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे करी, बराबर छे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे त्रिपुराना राज्यपाल तरीके केसरीनाथ त्रिपाठीने वधारानी जिम्मेदारी आपी, बराबर छे। तो बीजा त्रण ऑप्शन देखी लीए ऊपर छे, એ બીજા 3 રાજ્યપાલ જ છે, એમાં જે જગદીશ મુખી છે, બરાબર છે। જગદીશ મુખી ક્યાંના રાજ્યપાલ છે? અસમના રાજ્યપાલ છે BD મિશ્રા અરુણાચલ પ્રદેશના, અને શ્રીનિવાસ દાદા સાહેબ પાટીલ સિક્કિમના રાજ્યપાલ છે, બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ, ક્લિયર। હવે ત્રિપુરા વિશે થોડું જાણી લે, ત્રિપુરાની રાજધાની છે અગરતલા, અને એના CM છે વિપ્લવ કુમાર દેવ, અને ત્રિપુરાના રાજ્યપાલ છે કેસરીનાથ ત્રિપાઠી, ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ। તો તાજેતરમાં ત્રિપુરાના રાજ્યપાલ તરીકે વધારાની જિમ્મેદારી કોણે મળી? તો કેસરીનાથ ત્રિપાઠી, બરાબર છે। છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન, કયા રાજ્યએ પોતાને જાહેર શૌચમુક્ત જાહેર કર્યું, બરાબર છે। કયા રાજ્યએ પોતાને જાહેર શૌચમુક્ત જાહેર કર્યું, બરાબર છે। તો આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યએ પોતાને જાહેર શૌચમુક્ત જાહેર કર્યું, બરાબર છે। તો આંધ્રપ્રદેશના શહેરના વિસ્તારને ઓક્ટોબર 2016 જાહેર શૌચમુક્ત જાહેર ઘોષિત કરી દીધેલું, બરાબર છે। પણ આંધ્રપ્રદેશના CM ઓફિશિયલી હવે ડિક્લેર કરી દીધું છે કે પૂરું આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય જાહેર શૌચમુક્ત ઘોષિત
કરી દીધું છે, બરાબર છે કે? હવે આંધ્રપ્રદેશના સીએમએ જ આ ઓફિશિયલ ડિક્લેરેશન કરી દીધું કે એ જાહેર શૌચમુક્ત થઈ ગયા છે, બરાબર છે? હવે આંધ્રપ્રદેશના સીએમ કોણ છે? તો આંધ્રપ્રદેશના સીએમ છે ચંદ્રબાબા નાયડુ અને રાજ્યપાલ છે ઈએસ નરસિમ્હા, બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ, ક્લિયર? હવે આજનો સવાલ દેખ લઈએ છે ફ્રેન્ડ્સ. આજનો સવાલ છે, ગ્લોબલ પીસ ઇન્ડેક્સ 2018 અનુસાર દુનિયાનો સૌથી શાંતિપૂર્ણ દેશ કયો છે? ગ્લોબલ પીસ